हिमाचल सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि हम पहुंचे नोएडा से जंजैहली के लिए। जंजैहली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है और यहां पर हम लोगों ने स्टे किया होटल गोल्डन वैली में। एंड नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए जीबी की ओर वाया पंडो एंड ऑट टनल। सो इस सीरीज के सारे वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल फर्स्ट कदम। और आज इस वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगी एक अमेजिंग प्रॉपर्टी का जो कि है जेबी में। एंड लेटेस्ट हम लोगों ने जो ट्रिप किया था वो जेबी का था और एक दिन हम लोगों ने यहीं पर स्टे किया था। सो लेट्स डाइव इन एंड सी व्हाट मेक दिस प्लेस मोर स्पेशल। सो गाइज, ये जो प्रॉपर्टी है वो करीब 2 किलोमीटर आगे है मेन जेबी से। एंड ये घियागी करके एक विलेज है वहां पर आता है और यहां तक पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा है जो कि आप सामने देख रहे हैं। तो सामने से जा रहे हैं दो रास्ते। राइट वाला जो है जलौरी पास के लिए जाता है एंड हमें जाना है लेफ्ट द पहाड़ियंस के लिए। और यहां से हार्डली 1.5 किलोमीटर ही है और हम पहुंचने वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। रास्ते के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस प्लेस पर पहुँचने के लिए हमें किस तरीके के रास्ते मिलेंगे। तो वैसे तो रास्ता ठीक था, बस एक जो पैच जो अभी आगे आएगा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो टर्न था एंड रोड वहाँ पे थोड़ी सी खराब थी, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज ठीक था रास्ता, आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये जो जगह थी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक थी, एक बार गाड़ी चढ़ गई मीन्स फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बस पहुँच गए। सो फाइनली हम लोग करीब 2:30 बजे पहुंच गए थे द पहाड़ियंस, जो कि हम लोगों ने आज के स्टे के लिए बुक किया हुआ है। काफ़ी अच्छी यूनिक सी प्रॉपर्टी है एंड सराउंडेड बाय लस बीन वैली। तो मैं जल्दी से आपको क्विक टूर दे देती हूँ जिससे पहले कि आयु रूम को एकदम मैश्ड अप करे। तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ एंड बाकी प्रॉपर्टी का टूर भी बाद में देती हूँ। तो ये है रूम विद ब्यूटिफुल बेडिंग एंड डेकोर मिनिमलिस्ट है बट बहुत ही सुंदर सा है, कोजी सा रूम है ये एकदम बढ़िया सा, और बहुत ही मिनिमम सा डेकोरेशन है और जो भी है यूनिक सा है। लुक एट द वाइब। यहाँ पर ये विंडो है जहां से आपको वैली का व्यू आएगा, सामने देवदार के बहुत घने घने पेड़ दिखाई देंगे। इसके अलावा सामने बेड के सामने एक और विंडो है, काफ़ी बड़े बड़े से विंडो हैं इसमें। एंड स्टोरेज के लिए आपको दिया गया है ये अलमीरा एंड टाल एंड हैंगर, जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं। इस रूम को थोड़ा सा जो बोहो टच होता है ना, मुझे वो वैसा वाला फील आ रहा है। कर्टन्स वगैरह बिल्कुल वैसे ही लगाए गए हैं, हिमाचली पैटर्न वाले कर्टन्स। बाकी जो चीज़ें हैं वो बोहो टच दे रही हैं थोड़ा सा। चलिए वॉशरूम भी देख लेते हैं। तो ये है वॉशरूम, अच्छा बड़ा सा वॉशरूम है, गीज़र भी लगा हुआ है विद मिरर एंड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़। तो वॉशरूम अच्छा स्पेशियस है एंड यहाँ पर ये कारपेट डाला है जो दरी टाइप होता है ना, उस तरीके का कारपेट डाला हुआ है, अच्छा लग रहा है। एंड पूरे ज़मीन पर भी कारपेट डाला हुआ है, आई थिंक सर्दी रात में ज़्यादा हो जाती होगी तो थोड़ा सा गर्माता होगा ये। एंड ये है बेडिंग। हाय आयु, आयु को हाय नहीं बोलना है। सो आप रूम देख लीजिए, मुझे अच्छा लगा रूम, सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पर बैठने के लिए, आपको चेयर भी दी गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ।
ये है कुछ बाहर का व्यू, इसके पास में भी दो रूम्स हैं एंड लुक एट द व्यू, इसके सामने कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको। इनका कैफ़े भी है ऊपर, वो भी मैं आपको टूर करा दूंगी। और कैफ़े फेस करता है ये वैली जो है उसको ही, तो सारा व्यू बैठकर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड सामने भी मुझे एक और प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है जिसका नाम है द ब्लू स्ट्रीम कॉटेजेस। तो ये जो पैरेलली रोड आ रहा है इसी रोड से आपको आना है। और कार पार्किंग भी अवेलेबल है, आप अपनी कार बिल्कुल प्रॉपर्टी तक ला सकते हैं। एंड बाकी सारी चीज़ें अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, तो लंच करेंगे और मैं बताऊंगी कि यहाँ का स्वाद कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा था, तो वो भी शेयर करूँगी। देखिए आप बच्चों को भी एंगेज कर सकते हैं, इनको मिल गया एक गेम और नींबू पानी के साथ साथ गेम खेला जा रहा है। मजा आ रहा है आयु? हाँ। आपको भी मजा आ रहा है पापा? हाँ, बच्चा बन रहा है। अच्छा है, बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए। मुझे इस कैफे में आकर के ना थोड़ी सी कसोल वाली वाइब्स आ रही है, उसी तरीके से कुछ कैफे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा एंड कोजी सा। आई थिंक रात में भी बहुत सुंदर लगता होगा और वैली का व्यू बहुत अच्छा है। पीछे की ओर जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पर आप सिटिंग छोटा सा है, नीचा है, नीचे नीचे बैठने वाला काइंड ऑफ, और उधर टेबल पे आप प्रॉपरली बैठ सकते हैं। एंड ये जो है ये इसको पैक किया गया है, शील्ड लगाई है, बट जो उस साइड है वो ओपन है, तो आप जहाँ पर भी चाहें बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये है इनोवा किचन। देखिए हमारा खाना लग गया है और खाना देख करके और ज़ोरों से भूख लग गई है। आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, 4 बज रहे हैं। फटाफट से खाना खाते हैं और टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। देख, बढ़िया टेस्टी सा लग रहा है। द पहाड़ियंस के पास में ये छोटी सी रिवर स्ट्रीम है, बहुत सुंदर सी, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं लंच करने के बाद, और लंच हमने द पहाड़ियंस में ही किया और लंच बहुत अच्छा था, एकदम फ्रेशली सर्व फूड था, दाल और हम लोगों ने मिक्स वेज लिया, तो खाना अच्छा था। आप अगर चाहें तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। ये जो रास्ता है ये वाला, ये तो पहाड़ियन जा रहा था, हार्डली 100 मीटर हम लोग नीचे आए हैं। एंड यहाँ पर भी ये एक होटल या एक प्रॉपर्टी है स्टे करने के लिए, और इसका नाम है रिवरडेल कैंप्स एंड कैफे। तो यहाँ पे इस तरीके का एक कॉटेज हैं और कैंप्स बने हुए हैं। फ्रेंड्स आप ये यहाँ पर जो घर देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक चक्की है जिसे यहाँ पर गढ़वाली लैंग्वेज में, सॉरी हिमाचली लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। अभी तो बंद है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। एंड मैं इसे यहाँ तक देखने के लिए आई थी बट बंद है ये एक्चुअली जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं द पहाड़ियंस उसी जस्ट पास नहीं है, तो आई थॉट कि देखना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है, बट माय बैड लक नहीं मिला मुझे। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस आ गए हैं अपने होटल उस झरने के पास से, जो कि हार्डली 100 मीटर की दूरी पर ही था। और डिनर का मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं थी, तो हमने कुछ मैगी, पास्ता एंड मोमोज लिया था, जो कि तीनों ही काफ़ी अच्छे थे। आप यहाँ पर ये भी ट्राई कर सकते हैं, मीन्स पास्ता तो बहुत ही अच्छा था। एंड अब मैं आपको कुछ नाइट के व्यू दिखा देती हूँ एंड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होटल टूर आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।